खबर दोपहर देख रहे हैं आप और अब खबरें मुख बधिरों के लिए, और इसके लिए हमारे साथ है पिंकी। लखनऊ में आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लखीमपुर खीरी के नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी को विधायकी की शपथ दिलवाई। आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट से भाजपा के अमन गिरी ने 32,000 से ज्यादा के अंतर से सपा के विनय तिवारी को हरा दिया। अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी के निधन के बाद गोला का उपचुनाव हुआ था। इधर बरेली के अलीगंज में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 5 दिन पहले युवक ससुराल आया था और तभी से लापता था। तालाब में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पत्नी 1.5 महीने से मायके में थी। युवक पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया था लेकिन जिंदा नहीं लौटा। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब इस मामले की जांच कर रही है। इधर झांसी में किसान और उसके बेटे पर अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में बेटे की मौत हो गई जबकि किसान की हालत गंभीर बताई जा रही। किसान और उनके बेटे पर खेतों में काम करते वक्त हमला हुआ। अज्ञात बदमाशों ने किसान के बेटे की सिर कुचलकर हत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर झांसी में सीपरी बाजार थाना इलाके के अम्बवाय गांव में खेत पर देर रात काम कर रहे पिता पुत्र पर अज्ञात लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। और इधर गोंडा में भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के मुद्दों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक अजय सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा को जिताने का काम होना चाहिए। कर्नलगंज के पूर्व चेयरमैन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में कर्नलगंज के इस आतंकवादी को खत्म करना है। नोटिस के आतंकवादी को हटाने के लिए कमल खिलाना जरूरी है। इधर पीलीभीत में देर रात सैलानियों को सड़क पर टाइगर दिखाई दिया। बाघ को देखकर सैलानी बहुत खुश थे लेकिन जैसे ही बाघ उनकी कार की ओर बढ़ने लगा सैलानियों को अपनी कार पीछे करनी पड़ी। बहुत देर तक बाघ सड़क पर सैलानियों की कार के सामने ऐसे ही टहलता रहा। कार में मौजूद पर्यटकों ने मोबाइल से बाघ का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का है। 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। माला रेंज में बाघ का दीदार करके पर्यटक बहुत खुश थे। सैलानियों ने इस वीडियो को शेयर कर लोगों से पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने की अपील भी की। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने छावला केस के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता और एडिशनल SG ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि कल दिल्ली के उत्तराखंड सदन में CM धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।